नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैत स्वागत करता हूँ एक बार आपका फिर से अपने गार्डनिंग चैनल पे। और इधर गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लांट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और एक्सट्रीम समर्स हैं। तो इसमें चाहे हमारे परमानेंट प्लांट्स हों, चाहे हमारे सीजनल प्लांट्स हों, वो सारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने प्लांट्स की केयर करी जाए। तो मैंने वो सारे वीडियोस डाल रखे हैं। तो आज हम लोग थोड़े एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये बोगनविलियाज वगैरह, इनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है ब्लूम करने का, लेकिन इन लोगों की भी पत्तियाँ अभी बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है। तो मैं आपको ये अपना एक प्लांट दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ये फाइकस बेंजमीना का है, मेरा 7-8 साल पुराना बॉन्जाई है। और मेरा इस पर एक वीडियो भी है, मैंने एक सीरीज़ शुरू करी थी बॉन्जाई पे, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इतने एक्सट्रीम समर्स में हम अपने बॉन्जाइज़ को कैसे सेव करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस प्लांट्स होते हैं और ये सालों साल चलने वाले प्लांट्स होते हैं। तो कुछ टिप्स दूंगा आपको, 3-4 टिप्स इम्पॉर्टेंट कि कैसे हमारे प्लांट्स को सेव किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे कुछ मैंने इंतज़ाम कर रखे हैं। तो क्योंकि बहुत ही शैलो ट्रेज़ में होते हैं बॉन्जाई, तो इनमें इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है और हल्की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, वरना प्लांट एकदम से डल हो जाएगा और सारी पत्तियां शेड कर देगा। तो इसमें आपने देखा होगा मैंने छोटे छोटे स्टोन्स रख रखे हैं। इस तरीके से अगर आपको अवेलेबल हो पाए तो आप ये स्टोन्स रख सकते हैं। अगर स्टोन्स नहीं आपको अवेलेबल हैं तो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये मॉस है, इसको मॉस बोलते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ये लोकल नर्सरीज़ में भी मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरा इस पे वो बिछा रखी थी मॉस। तो उसमें क्या है कि अभी बीच में आंधी पानी आता है, वो सब आता है, तो उसमें काफ़ी उड़ गई थी मॉस। और लेकिन आपको मॉस का एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा फंगस वगैरह ना लगे ओवर वाटरिंग के कारण, ठीक है? तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये फर्स्ट टिप हो गई कि हम लोग किस तरीके से अपनी इसकी रूट्स को और इसकी जो जड़ें हैं और जो मिट्टी है उसको किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आप मेरा ये इमली का बॉन्जाई देख रहे हैं, ये भी काफ़ी पुराना है, थोड़ा ओवर ग्रोन है। और इसमें सेकेंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी प्लांट को प्रून नहीं करना है, ना ही आपको रिपॉट करना है। आप देख रहे होंगे मेरा ये बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोन है और इसमें आपको मॉस भी दिख रही होगी और इसकी जड़ें भी आपको ऐसे दिख रही होंगी ऊपर आती। हालांकि ये बहुत नुकसान वाली है चीज़, इससे प्लांट अगर एक्सपोज हो जाती हैं जड़ें तो प्लांट आपका मर भी सकता है। लेकिन ये काफ़ी काफ़ी ओल्ड है, ये आपके इसके स्टेम के साथ आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है इसको। तो प्रूनिंग से बचिए, आप देख रहे होंगे ये बहुत बड़ा है, मैं आपको वीडियो में अगर क्लियरली दिखा पा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो प्रूनिंग से बचिएगा अपने प्लांट्स की, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे देख रहे होंगे ये जैसे डेड ब्रांचेस हैं, इनकी अगर आपने प्रूनिंग कर दी और प्लांट अगर शॉक से नहीं उभर पाया तो सारा पूरी पूरी ब्रांच डाईबैक हो जाएगी आपकी। तो प्रूनिंग से बचिएगा, और ये सारे नॉर्मल प्लांट्स पे भी आपका अप्लाई होता है, तो आप प्रूनिंग से अपने प्लांट की बचिएगा, ठीक है? सेकेंड पॉइंट ये आपका हो। ये अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप मेरे पीपल का बॉन्जाई देख रहे होंगे और ये सिरेमिक पॉट में लगा है। और मैं नीचे आपको इसमें दिखाऊं तो देखिए आप ये सारी आप इसकी रूट्स देख रहे होंगे बाहर आ रही है। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है क्योंकि डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ओवर ग्रोन हो जाते हैं बॉन्जाइज और नीचे से रूट्स निकल आती हैं। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीधे रूट को गर्माहट मिलेगी तो उसका प्लांट पे भी असर होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको उठा के किसी, जैसे आपका कोई खाली गमला हो उस गमले के अंदर आप इसको रख सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऐसे बाहर रखा हुआ है, मैंने इसको बाहर ऐसे छोड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये खाली फर्श पे अगर रहेगा तो सारी जड़ें जलेंगी और उसका जो असर होगा वो मेन प्लांट पे पड़ेगा। आप देखिए इस तरीके से ओवर एक्सपोज्ड, ये जड़ें एक्सपोज नहीं है, ये इसका जो ट्रंक है वो एक्सपोज है और रूट सिस्टम जो इसका है वो मेन अंदर है। ऐसे ही आपकी देखिए बरगद का देखिए, रूट सिस्टम एक्सपोज्ड है लेकिन प्लांट काफ़ी पुराना हो गया आपका, तो इन पे असर नहीं होता है, ठीक है? तो
प्लांट की नीचे से अगर इसको रूट बाउंड कंडीशन भी कहते हैं, जो नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे, ये रूट बाउंड कंडीशन भी कहलाता है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि देखिए, अगर ऐसे आप छोड़ेंगे तो ये लीव्स ऐसे होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, ऊपर से भी हीट मिलेगी, नीचे से भी प्लांट को हीट मिलेगी, तो आपके प्लांट के ख़राब होने के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस रहते हैं। तो अगर प्लांट, थर्ड पॉइंट ये है, रूट बाउंड है, तो उसको रूट को मत काटिए। रूट को काटने की बजाय आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करिए कि उसके नीचे डायरेक्ट रूट जो है वो सरफेस में, सरफेस एरिया में के कांटेक्ट में ना आए, उसको डायरेक्ट हीट ना मिले। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। आप ये मैं जो सामने दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा पाकड़ का बॉन्ज़ाई है और ये नीम का बॉन्ज़ाई मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप एक बहुत पर्टिकुलर चीज़ आपने इसमें भी देखी होगी कि सॉइल बहुत ज़्यादा पूरा ऊपर तक है। तो ये क्या होता है, समय के साथ जैसे आप इसमें पानी देते जाते हैं और जड़ें बढ़ती जाती हैं, तो जड़ें अपना स्पेस लेके सॉइल को ऊपर पुश करती हैं, तो सॉइल क्या है, आपकी पूरी भरना शुरू हो जाती है। और फिर आप इसमें पानी देंगे तो इसमें पानी टिकता नहीं है, पानी नहीं टिकेगा तो नीचे की जो मेन जड़ें हैं वो आपकी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है कि अगर ऊपर ऊपर इतनी आपकी पूरी फुल सॉइल है तो थोड़ा थोड़ा आपको स्पेस खाली करना पड़ेगा, या अगर आप इसको वाटरिंग का तरीका है, एक टब में अगर इतना कर सकते हैं आप, तो एक टब में पानी भर के इसको उसमें रख दीजिए, तो वो नीचे से कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी को खींच लेगा, तो उससे आपका भी पानी इसको दे लिया जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है, इसमें थोड़ी मिट्टी आपको खाली करनी पड़ेगी, वरना बारिश के भी टाइम क्या होगा कि सारी जो मिट्टी है वो सारी बाहर आ जाएगी और आपकी सारी जड़ें खुल जाएंगी पेड़ की, तो वो भी पेड़ के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप, मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आपके प्लांट की कंडीशन है तो ये मत होने दीजिए, क्योंकि इससे पेड़ को बहुत जल्द इसको नुकसान होने लगता है। तो आपको नुकसान के तौर पर लीव्स आपको थोड़ी थोड़ी बर्न दिखना शुरू होंगी, फिर लीव्स येल्लो हो जाएंगी। ये मेरे बहुत पुराने पुराने बॉन्साइज़ हैं, तो इनका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये कुछ छोटी छोटी मैं मुझे आपको टिप्स बतानी थी, और थोड़ा और ओवरव्यू आपको देते हुए मैं आपको अपने थोड़े से प्लांट्स दिखा देता हूँ। ये गुलमोहर का मैंने बना रखा है, ये भी ये सिरेमिक के पॉट्स का आपको ख़ास तौर से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाते हैं पॉट्स, तो उनको कोशिश करिए कि ऊपर कुछ उस पर मिट्टी पर कवर्ड रहे, ऐसा बिल्कुल जैसे आप मेरा बेयर देख रहे हैं ऐसा बेयर मत खोलिएगा, ठीक है, वरना प्लांट को हो सकता है नुकसान हो जाए अगर आपका नया प्लांट है। तो ये सब देखिए, ये सब बिल्कुल एक्सट्रीम, और जबकि ग्रीन नेट मेरे यहाँ लगी हुई है, मैंने बहुत सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, बट स्टिल धूप तो आती ही है, उसको नहीं रोक पाएंगे चाहे आप ग्रीन नेट लगाइए चाहे कुछ, क्योंकि हीट वेव्स इतनी ज़्यादा चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, आपके अगर ऐसे सीजनल जैसे गुलदाउदी, कलांचो ये सब हैं तो इनको इस तरीके से ग्रुप करके रखिएगा, ठीक है। तो बस मुझे यही आपको छोटी छोटी टिप्स देनी थी, और बाकी अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ क्वेरीज हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।